हेलो गाइस कैसे हैं मेरे जवान कोई तरह का दिक्कत भी है और जब दिक्कत हो तो पूछने का प्रयास करें और हम भी एक इंसान हैं उसके बाद एक टीचर हैं होगी जीएस की बारिश होगी जीएस की बारिश भींगेंगे आप भींगेंगे हम देखेगी सारी दुनिया अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो इस प्लेटफॉर्म की इमारत से पूछो यहाँ की बादियों से पूछो यहाँ की तन्हाइयों से पूछो यहाँ की फिजाओं से पूछो जहां भी टच करोगे एक ही नाम निकलेगा सहनसाह सहनसा सहनसाह वक्त मिलेगा तो हम आपके मैसेज को भी पढ़ेंगे आप हमारी क्लास में प्रश्न पूछने के लिए आजाद हैं जमीन से लेकर आसमान तक कोई जरूरी नहीं एट प्रेजेंट उसी समय हम जवाब दें क्योंकि पढ़ाते रहेंगे तो मैसेज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता लेकिन जब हम लेक्चर दें तो सारी दुनिया को भूलकर हमारी बात को सुनिएगा आप ताकि लेक्चर में ही याद हो जाए बात समझ गए रही बात हम आपको बहुत मिस करते हैं तहे दिल से बोल रहे हैं जब हम पहली बार आपकी क्लास में आए थे तो हर रात हम इंतजार करते रहे ये दिन कब मिलेगा एक एक सेकेंड नहीं कट रहा था आपके बिना मेरे जवान हम डेली रात से कहते थे अंधेरी रात से तुम कब बीतेगा फिर हम कब अपने जवान के सामने आए इस दौरान हम आपको एक नाम दिए उजाले और उस पर फिर कुछ लिखा गया ये लाइन मेरा नहीं है हमारे किसी जवान ने लिख कर हमें दिया जो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं ए उजाले अपनी यादों को हमारे पास रहने दो ए उजाले अपनी यादों को हमारे पास रहने दो ना जाने किस गली में जिंदगी की साम हो बातचीत के क्रम को हम देते हैं विराम और कहते हैं प्रश्न नंबर एक आराम से रिलैक्स होकर प्रश्न नंबर एक क्या कहता है लगता है ये रूट गया है लेकिन हम किसी को बहुत अच्छे से मना लेते हैं नंबर एक क्वेश्चन बाबर के भारत पर पांचवें आक्रमण के रूप में किस युद्ध को देखा जा सकता है बाबर के पांचवें आक्रमण के रूप में किस युद्ध को देखा जा सकता है यानी बाबर के भारत पर पांचवें आक्रमण के रूप में किस युद्ध को देखा जा सकता है इसका सही आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध बात समझ गए बात यह है <coughs> बाबर का भारत पर पहला आक्रमण बाबर का भारत पर पहला आक्रमण पंद्रह सौ उन्नीस ईस्वी के प्रारंभ में हुआ था और बाबर का भारत पर पहला आक्रमण यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था और इस आक्रमण में बाबर ने बाजौर एवं भेरा नामक स्थान को जीता था पहले आक्रमण में बाबर ने पहली बार भारत में तोप का प्रयोग किया था यहां पर याद रखना है एक बात को आपसे अगर पूछता है कि बाबर ने भारत पर पहली बार तोप का प्रयोग कब किया था तो 1519 सौ इसके प्रारंभ में युसुक जाति के विरुद्ध और इसी आक्रमण में बाबर ने बाजोर एवं भेड़ा नामक स्थान को जीता था लेकिन ऑप्शन में अगर युसुब जाई जाति ना रहे और पानीपत के युद्ध का उल्लेख करे तब आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध लेकिन ऑप्शन में पानीपत का प्रथम युद्ध ना रहे युसुक जाति रहे तब इसका आंसर हो जाएगा युसुफ जाई जाति पंद्रह इस प्रकार बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 सौ ईस्वी के प्रारंभ में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध हुआ था इस आक्रमण में बाबर ने बाजौर एवं भेरा नामक जीता था बाबर ने अपने पहले आक्रमण में भारत में सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया था बाबर के पांचवें आक्रमण के रूप में पानीपत के प्रथम युद्ध को देखा जा सकता है इस प्रकार पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया था और इस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण माना जाता है बाबर का योग नेतृत्व तोपखाना का प्रयोग एवं तुलगामा नीति तुलगामा नीति उस नीति को कहते हैं जब चक्कर काटकर एकाएक पीछे से दुश्मन पर आक्रमण किया जाए इस प्रकार इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध भूमि में मारा गया था इस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद उस पर चलाया तलवार तलवार का सम्मान करते हुए इब्राहिम लोदी का सर दो फिट आगे गिरा इस प्रकार तलवार से चूता हुआ खून टप 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 चीखते हुए की कह रही थी जी हां यह संपूर्ण भारत की धरती हमारी है आगे खानबा की युद्ध होने वाला था जिस पर भारत का तकदीर निर्भर करने वाला था लेकिन खानवा के युद्ध की जिक्र हम तब करेंगे जब हम खानवा का प्रश्न लेकर आएंगे बातचीत को क्रम को यही देते हैं प्रश्न नंबर हम दो कराते हैं प्रश्न नंबर दो किस मुगल बादशाह के समय में चमड़े का सिक्का चलाया गया था इसका सही आंसर है हुमायूं इसका सही आंसर है हुमायूं जरा सा आप याद पा हैं। हम बताए थे ना आपको कि हुमायूं और शेर शाह के बीच 26 जून पंद्रह ईस्वी को जो युद्ध हुई थी इसे हम चौसा के युद्ध के नाम जानते हैं याद पा है चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था और आदेश जारी किया था जिंदा या मुर्दा हुमायूं चाहिए और हुमायूं को पकड़ने के लिए गोलियां चला के क्राम, क्राम. ये गोलियां कभी बगल से कभी ऊपर से गुजर रहा था हुमायूं चिल्ला रहा था आए, खुदा आए, पर्वत दिगार हमें बचाओ भागते, 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 भागते हुमायूं गंगा नदी में कूद गया था याद आ रहा लेकिन हुमायूं गंगा नदी में कूद तो गया लेकिन उसे तैरने नहीं आ रहा था जब वह डूब के ऊपर आए कह या खुदा या पर्वत दिगार हमें बचाओ और ये अंधेरी शाम धीरे 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 काली रात में परिवर्तित हो रही थी ये अंधेरी शाम काली रात में परिवर्तित हो रही थी तो आसमान करक रही थी रिमझिम रिमझिम बारिशें हो रही थी काली रात शोर मचा रही थी तन्हाइया खामोशी से सितारों कुछ कहने जा रहे थे हुमायूं डूबकर ऊपर आए कह या खुदा या पर्वत दिगार जब कोई भी इंसान के जीवन में इस तरह का जब वातावरण उत्पन्न हो जाता है लगता है कि आज मेरा कोई कोई नहीं, नहीं, तो एक कहावत उभर कर आती है जिसका कोई नहीं, उसका खुदा हो यारो उसी समय निजाम नामक भिस्ती वह पानी लेने के लिए गंगा किनारे आया और जब पानी ले रहा था तो उसे लगा कोई डूब रहा है वह कुदकर बाहर निकाला तो देखता है मुगल बादशाह हुमायूं हुमायूं बेहोश था हुमायूं होश में आया और कहा क्या निजाम का भिस्ती तुमने हमारी जान बचाई है मांगो तुम्हें क्या चाहिए निजाम का भिस्ती का आप क्या हमें दे सकते हैं आप क्या देख सकते हैं आपके पास क्या है ना नाम रहा ना शोहरतः ना सिंहासन रहा आप क्या दे सकते हैं हुमायूं कहा मत बोलो निजाम का भिस्ती मेरे गले में जितने जेवरात हैं एक निकाल कर तुम्हें दे दूं तो तुम्हारी कई जनरेशन की गरबी मिट जाएगी निजाम का भिस्ती कहा कि हाँ आपकी एक जेवरात हमें कई जनरेशन की गरबी मिटा सकती है लेकिन यही जबरात अगर सिंहासन दिला दे तो पहले गद्दी बैठिए उसके बाद हमें दीजिए हुमायूं कहा इसे मत कहो कुछ तो मांगो कुछ मांग लो निजाम का भी कहा कि आपको लगता है आपको लगता है आप दोबारा राजा बनेंगे कहा मेरा दिल कहता है जिस दिन आप राजा बनिएगा एक दिन के लिए आप हमें भारत का राजा बना दीजिएगा यही हम आपसे मांगते हैं हुमायूं का निजाम का भिस्ती तुम अपनी जिंदगी को बचा कर रखना जिस दिन खुदा हमें तक प्रदान किया ना उस दिन हम स्वयं नहीं उस दिन हम स्वयं नहीं बैठकर तुम्हें एक दिन के लिए भारत का राजा बनाएंगे यह कहा हुमायूं चलाया बरसों बीत गए लेकिन हुमायूं बरसों वर्ष के बाद संघर्ष हुमायूं का जारी रहा और जुलाई 1555 ईसवी में हुमायूं की बात करते हैं हुमायूं मछवारा एवं सरहिंद के युद्ध को जीतने के बाद जुलाई 1555 ईसवी में दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं का अधिकार हो गया दिल्ली की तक पर हुमायूं का अधिकार हो गया जब हुमायूं गद्दी पर बैठने के लिए जा रहा था मात्र दो कदम पर उसके सिंहासन थे और साथ में हमदा बानो बेगम थी साथ में हमदा बानो बेगम थे हुमायूं के बढ़ते हुए कदम रुक गए हमदा बानो बेगम चीखते हुए बोली कि मुगल बादशाह आपका बढ़ता हुआ कदम क्यों रुक गया आज तक हम आपसे कोई शिकायत नहीं किए आज शिकायत करते हैं पंद्रह साल से अधिक का समय बीत गया मेरे परिवार में सुबह और शाम मिलाकर चार रोटी से अधिक नहीं बनते थे एक रोटी मेरा बेटा जलाल खाता था एक मैं खाती थी दो आप को देती थी दो में से एक आप जानवर को खिला देते थे ऐसा कौन परिवार होगा जो रात दिन मिलाकर चार ही रोटी बनता होगा पंद्रह सौ साल से अधिक समय बीत गया है मेरे यहाँ कोई नया कपड़ा नहीं पहना हम लोग फटे हुए कपड़े को जोड़ जोड़ कर काम चलाते थे जब सिंहासन दो कदम पर है तो बढ़ते हुए कदम आपके क्यों रुक गए हुमायूं वाक दान सु लेते हुए कहा बेगम साहिबा ए बेगम साहिबा हम उस जमाने की बात करते हैं जिस जमाने में आप हमारी जिंदगी में नहीं आई थी और मैं चौसा का युद्ध लड़ा था उसमें हमारी हार हो गई थी गोलियां चारों तरफ से चल रही थी बेगम और हमें तैरने नहीं आता हम भागते भागते गंगा नदी में कूद गए हमें तैरने आता नहीं आता था और पानी से हमें डर लगता एक इंसान ने हमारी मदद की थी मैं उस इंसान से वादा किया था जिस दिन खुदा हमें तख्त प्रदान करेगा एक दिन के लिए तुम्हें भारत का राजा बनाएंगे बेगम साहबा मा दो कदम पर मंजिल है आप कहिए तो हम अपनी बाधा तोड़ देते हैं हमदा बानो बेगम बोली नहीं अगर आप अपनी बाधा पूरा करते हैं तो आपका सम्मान हमारी निगाह में और ज्यादा बढ़ जाएगी हुमायूं खुश हो गया और आदेश जारी किया हुक्म की तामील हो हुक्म की तामील हो निजाम खां भिश्ती का पता लगाया जाए मुगल सम्राट की धरती नहीं आसमान की भी तलाशी ली जाए जब मुगल सेना सुबह में निकली तो शाम में रात हो गई थी रात के बारह बजे पता चला कि निजाम खांति बगल में ही एक टूटा हुआ मकान में रह रहा है हुमायूं राजशाही पोशाक में सेना के साथ निजाम खां भिस्ती के पास गया रात के बारह बजे उसके दरवाजे को तीन बार नॉक किया खात खा खात निजाम खां भिस्ती हुमायूं को पहचाना ही और डर गया वो कहा हमें मत मारिए हम लोग गरीब लोग हैं रात दिन मेहनत करते हैं तो दो रोटी नसीब होती है आज मेरे यहाँ तो खाना भी नहीं बना है मेरा बच्चा देखिए कैसे रो रहा है निजाम खां भिस्ती का बच्चा रोते हुए कहा नहीं हमारे अबू जान को मत मारो मत मारो हुमायूं की आंख में आंसू गए आ गए निजाम खां भिस्ती को गले लगा लिया कहा खान बाबा हम आपको मारने के लिए नहीं आए हैं ना हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं याद पा रही है आपने मुगल बादशाह हुमायूं को गंगा में डूबने से बचाया था और हम बोले थे जिस दिन खुदा हमें तक प्रदान करेगा ए, हम स्वयं गद्दी पर नहीं बैठकर एक दिन के लिए आप भारत को राजा बनाएंगे मैं मुगल बादशाह हुमायूं खान लेट मत कीजिए राज्य अभिषेक में लेट हो रही है राज्यभिषेक का नाम सुनकर निजाम का भिस्ती इतना खुश हो गया जो अभी तक अपनी पत्नी को पत्नी कहता था राज्यभिषेक का नाम सुनते ही कहा बेगम साहिबा तैयार हो जाइए राज्यभिषेक में लेट हो रही है जब निजाम का भिस्ती दिल्ली पहुंचा तो उसके दाढ़ी को फ्रेंच कर काटा गया इत्र से स्नान कराया गया इसके बाद उसे गद्दी बैठाया गया यही इंसान गद्दी पर बैठने के बाद संपूर्ण भारत में चमड़े का सिक्का चलाया था यह घटना सिर्फ भारत के इतिहास का नहीं संसार के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस घटना के विषय में हमें जानकारी हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम की रचना हुमायूं नामा से मिलती इसके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा और अपनी जिंदगी की पहली कमाई से सहनसा स्वयं बाजार गया महरूम कलर की साड़ी खरीदा और महल के नीचे से खड़ा होकर चिल्लाया बेगम साहेबा बेगम साहिबा देखो मेरे हाथ में क्या है लेकिन अहमदाबानू बेगम महल में नहीं थी हुमायूं उदास हो गया कहा हमारे जीवन में खुशियां है ही नहीं आज थोड़ा हम खुश होते बेगम साहिबा महल में नहीं हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह नामक पुस्तकालय का निर्माण कराया था हुमायूं दिल्ली में दीन पना नामक पुस्तकालय का निर्माण कराया था और हुमायूं दीन पनाह नामक पुस्तकालय में जाकर किताब पढ़ने लगा हमदा बानु बेगम आई और इस पुस्तकालय के नीचे कर बोली कि मुगल बादशाह कहाँ है आप हुमायूं आवाज को सुनकर खुश हो गया और वह मैरून कलर की साड़ी को लेकर हमदा बानु बेगम को देखते हुए जब वह सीढ़ी से उतर रहा था तो हुमायूं का पाँव स्लिप कर गया और गिरते 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 हुमायूं हमदा बानु बेगम के करीब आ गया उसके सर पूरी तरह से फट चुके थे खून के चीटे जो दिल्ली की धरती पर पड़े थे वे अभी सूखे हुए भी नहीं थे आंखों में जो आंसू आ गई थी उससे विश्राम भी नहीं मिली थी हुमायूं चीखते हुए कहा बेगम साहिबा इसे कबूल कीजिए हमदा बानो बेगम मैरून कलर की यह साड़ी देखकर इतना खुश हो गई बोले कि मुगल बादशाह आप पंद्रह साल पुरानी बात आप हमसे वादा किए थे अभी तक याद हुमायूं कहा कि आपका एक एक चीज याद है हमें एक एक चीज याद है और बेगम मेरे पास वक्त नहीं है इसे जल्दी पहनकर मेरे पास आइए हंदा बानू बेगम ये नहीं समझ पाए अब ये इंसान जिंदा नहीं रहेगा वह कहने लगी नहीं इससे ज्यादा कीमती और खूबसूरत तोहफा मेरे जीवन में कभी नहीं हो सकता मुगल बादशाह हमारी मौत आपके जीवन काल में हो जब हमारी मौत हो जाए तो यही खूबसूरत मैरूम कलर की साड़ी हमें पहना देना दुल्हन की तरह सजा देना कंधे पर प्यार से उठा लेना उसके बाद हमें दफना देना हुमायूं का मेरे पास वक्त नहीं है जल्द साड़ी पहन वहां पर वक्त लग गया यही उनसे भूल हो गई इस दौरान हुमायूं एक एक सेकेंड एक एक सेकेंड मौत से लड़ रहा था चीख रहा था हमदा 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 जब हमदा बानो बेगम साड़ी पहन कर आई तो लेट हो गया जैसे आंचल को लहरा कर बोली कैसा लगता है मुगल बादशाह मुस्कुराकर हमदा बेगम को देखा और देखते रह गया हमदा बेगम इस बात को भूल गई कि ये इंसान अब जिंदा नहीं है मरे हुए हुमायू फास बार बार आंचल को लहरा कर कति बोलिए न कैसा लग रहा है बोलते क्यों नहीं हुमायूं सर नीचे कर दिया हमदा बेगम चीख गई चीखते हुए बोली नहीं मुगल बादशाह एक बार आंख खोल दो फिर इसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी मुगल बादशाह मुगल बादशाह मुगल बादशाह कहकर हुमायूं को कसकर पकड़ लिए बोले कि इसे कोई नहीं, दफना आएगा। इसे कोई नहीं, दफना आएगा, ये नहीं है को अकबर की आयु अभी तेरह साल भी नहीं हुई थी वह कभी हुमायूं का हाथ उठाकर कहे बू जान मेरे साथ गेंद नहीं खेलेंगे कभी आंख खोलकर कहे बू जान आप हमसे बात नहीं करेंगे उठिए तो जब वो अपनी अम्मी जान को रोते हुए देखा तुसी समझ में आ गया को हमारे मर गए। वो अपनी अम्मी जान के आंसू को छूते हुए कहा अम्मी जान रोना नहीं मैं सूरज हूं अम्मी जान रोना नहीं मैं सूरज हूं दमक छोड़ जाऊंगा अगर डूब भी गया तो इस धरती पर प्रश्न छोड़ जाऊंगा बातचीत के क्रम को देते हैं विराम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर तीन हुमायूं की शादी हुई थी हुमायूं की शादी किससे हुई थी तो हु, अभी जस्ट इस बात पर बोले हैं हुमायूं की शादी हुई थी हमदा बानो बेगम के साथ हुआ यह था कि सत्रह मई पंद्रह सौ चालीस सत्रह मई पंद्रह सौ चालीस के बिलग्राम के युद्ध को हम कन्नौज के युद्ध के नाम जानते हैं बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम जानते हैं इस युद्ध में शेर शाह ने पुनः हुमायूं पराजित कर दिया हुमायूं भागकर सिंध चला गया हुमायूं भागकर सिंध क्यों कया क्योंकि वहां पर हुमायूं का छोटा भाई हिंदाल था हुमायूं का मानना था कि हिंदाल मेरा छोटा भाई है कहने के लिए भाई है इसका लालन पालन हम अपने बेटे की तरह किए हैं इसका लालन पालन हम बेटे की तरह किए हैं मारकर एक रोटी भी तो देगा ना हम कई दिनों कुछ नहीं खाए जब हुमायूं सिंध पहुंचा तो हिंदाल हुमायूं जब देखा तो उसकी सीना में सदकर रोने लगा कहा भाई जान जब तक रहना है तब तक आप सिंध में रहें यही कारण था हुमायूं पंद्रह साल सिंध में रहा हिंदाल अपने गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमदा बानो बेगम के साथ सुबह सुबह उठकर ध्यान लगाते थे तो ध्यान लगाता था कि ध्यान लगाने में हुमायूं भी साथ जाता था जब हमदा बानो बेगम और हिंदाल ध्यान लगाने क्रम में आंख बंद कर लेते थे, थे तो हुमायूं आंख खोल लेता था और हमदा बानो बेगम को टुकुर 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 देखा करता था जब यह बात हिंदाल को पता चला हिंदाल का भाईजान बहुत गलत चीज है मेरे गुरु काफी सख्त हैं इस सब मामले में अगर ऐसी बात नहीं होती तो हम पीछे थोड़ी रहते हमारी कहा चुप चुप तुम अपना काम करो हम अपना काम करते हैं जब मीर अली अकबर जामी को पता चला तो मीर अली अकबर जामी तलवार को खींचते हुए बोले हमदा हमदा तुम क्या कर रही हो अरे ये तल, जब तलवार चलती है तो कोई रिश्ता को नहीं पहचानती जब ये तलवार चलती कोई कुन है कोई रिश्ता तुम क्या कर रही हो बेगम रोते हुए बोली पाजान मैं आपका एक ही संतान हूं हमारी तलवार चलाकर हमारी जिंदगी खामोश करने से पहले हमें दो लफ्ज बोलने की इजाजत देते मीर अली अकबर जामी बोले इजाजत है इजाजत है इजाजत है अबाजान दुनिया वाले अगर आपसे कहे कि ऑक्सीजन के बिना जीकर दिखा दीजिए क्या आपके लिए संभव है क्या नहीं तो मेरे लिए हुमायूं के बिना जीना संभव नहीं और मीर अली अकबर जामी हंसने लगे हंसते हुए बोले कि हुमायूं एक, एक अच्छा इंसान है और हमें भी पसंद है इस प्रकार हुमायूं की शादी हमदा बानो बेगम के साथ हो गई इस विवाह के फलस्वरूप हुमायूं को एक पुत्र की प्राप्त हुई प्राप्ति हुई जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इतिहास नामी से जलाल के नाम जानते हैं मेरे जवान मुझे इसका गम नहीं मेरे जवान मुझे इसका गम नहीं कभी बदल जाएगा ये जवाना हम जीते भी प्रोफेशनल ही नहीं है हम जिंदा भी प्रोफेशनल नहीं रहते ना किसी के साथ रिश्ता रखते प्रोफेशनल हम दिल से काम करते हैं मुझे इसका गम नहीं कभी बदल जाएगा ये जवाना मुझे इसका गम नहीं कभी बदल जाएगा ये जवाना मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम ना बदल जाना कभी तुम ना बदल जाना कभी तुम ना बदल जाना कभी तुम ना बदल जाना क्वेश्चन नंबर चार की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार में है पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुई थी तो पानीपत की द्वितीय युद्ध हुई थी पांच नवंबर पंद्रह ईस्वी को पांच नवंबर पंद्रह ईस्वी को पानीपत की द्वितीय युद्ध हुई थी लेकिन यहां पर हम यह बताना चाहते हैं इतिहास में तीन पानीपत के युद्ध हुए हैं एक युद्ध हुई थी 21 अप्रैल पंद्रह ईस्वी को इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था द्वितीय पानीपत का युद्ध 5 नवंबर पंद्रह ईस्वी को हुई थी और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था तृतीय पानीपत के युद्ध का कैसे आ जाता है चौदह जनवरी सत्रह ईस्वी चौदह जनवरी सत्रह ईस्वी इस, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था इस प्रकार पानीपत की जब हम बात करते हैं तो पानीपत का द्वितीय युद्ध पांच नवंबर पंद्रह सौ छप्पन हुई थी इस युद्ध युद्ध अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था बात यह था कि अकबर जब गद्दी पर बैठा था तो मुगल ताकत को चैलेंज दे रहा था हेमू में हेमू मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला हिंदू था जो दिल्ली की गद्दी बैठा था हेमू अपने जीवन में 24 युद्ध लड़ा था जिसमें बाईस युद्ध में वह जीत दर्ज किया था और वह तत्कालीन बिहार के शासक आदिशाह का प्रधानमंत्री था हेमू से अकबर का संघर्ष हो रहा था तो मुगल में बेचैनी थी अंधेरी रात चीख रही थी रात के 12 बजे अकबर की आयु भी तेरह साल भी नहीं हुई थी रात के 12 बजे अकबर तलवार खींचते हुए अपनी महत चीखते हुए कहा कि खान बाबा भूखे रकम मरने से अच्छा है कि धरती के लिए सही हो जाए अटैक और इस प्रकार विशाल सेना लेकर अकबर पानीपत की धरती पा गया और इस युद्ध में हेमू की जीत हो रही थी संजोक से एक तीर हेमू की आंख में लग गई हेमू बेहोश होकर नीचे गिरा और बैडम खां हेमू को पकड़कर अकबर के पास लाया कहा सहनसा यह काफी चलाओ तलवार खामोश कर दो अकबर कहा जैसा खान बाबा अकबर चलाया तलवार और रोक दिया कहा नहीं खान बाबा किसी के बहते हुए खून को हम नहीं दे सकते बैरम खां का कोई बात नहीं सहन आपका अधूरा काम को हम पूरा करते हैं इस प्रकार बैगम खाने चलाया तलवार तलवार का सम्मान करते हुए है मुका दो फीट आगे गिरा और इस प्रकार पानीपत के द्वितीय युद्ध को अकबर ने जीत लिया तलवार से चूता हुआ खून तब, तब 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 इस बात की शोर मचा रही थी जीत हमारी है जीत हमारी है बातचीत के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर आते हैं पांच अकबर के शिक्षक का क्या नाम था क्वेश्चन नंबर पांच का सही आंसर है ए अब्दुल लतीफ अकबर की जब बात करते हैं तो यहां पर याद रखिएगा अकबर का जन्म 15 अक्टूबर पंद्रह ईस्वी को अकबर का डेट पूछता है हम वही चीज हम वही चीज हम बोलेंगे जो एग्जाम में पूछा जाए फालतू चीज पर बहस करना हमारी फिदरत नहीं अकबर का जन्म पूछता है 15 अकबर का जन्म 15 अक्टूबर पंद्रह ईस्वी को अमरकोट के राजा बीरसाल के भवन में हुआ था प्रकार अकबर पहला पहला मुगल बादशाह था जिसका जन्म हिंदू राज घराने में हुआ था प्रारंभिक समय में अकबर का संरक्षक मुनीम खान को बनाया गया था बाद के समय में अकबर का संरक्षक बैरम खान को बनाया गया था लेकिन हुमायूं का मानना था हुमायूं का मानना था कि मेरा बेटा अकबर एक पढ़ा लिखा विद्वान राजा बने इसलिए अकबर के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया गया जिसका नाम था अब्दुल लतीफ लेकिन अकबर को पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा और इस प्रकार अकबर पहला मुगल बादशाह था जो अनपढ़ था मुगल वंश में सबसे अधिक पढ़ा लिखा विद्वान दारा सिको था दिको शाहजहां का बेटा था क्वेश्चन नंबर छ की बात करते हैं सिकंदर एवं पौरस के बीच युद्ध कब हुआ था तो सिकंदर एवं पौरस के बीच युद्ध हुआ था 326 सौ छब्बीस में सिकंदर एवं पौरस के बीच झेलम नदी के तट पर 326 सौ छब्बीस में जो युद्ध हुई थी इसे हम बीसता का युद्ध इसे हम हाइडेस पीच के युद्ध के नाम जानते हैं इस युद्ध में पौरस की जीत हो रही थी इस युद्ध में पौरस की जीत हो रही थी लेकिन एक कहावत है समय हो मेहरबान तो गधा हो जाए पहलवान मुसलाधार बारिश हो गई मुसलाधार जब बारिश हो गई तो इसका लाभ किसको मिल गया इसका लाभ मिल गया सिकंदर को ऐसा इसलिए पौरस अपनी सेना में बृहद पैमाने पर हाथी का प्रयोग किया था तो सिकंदर अपनी सेना में बृहद पैमाने पर घोड़ा का प्रयोग किया था हम और आप दोनों जानते हैं कि घोड़ा के बजाय हाथी का शरीर भारी होता है और बारिश होने के कारण युद्ध भूमि दलदल हो गई कीचड़ से भर गई तो हाथी का शरीर भारी होता है तो वह दलदल भूमि ना दौड़ सकता ना चल सकता लेकिन घोड़ा का शरीर हल्का होता है वह भूमि में दौड़ भी सकता है और चल भी सकता है इस प्रकार सिकंदर का घुड़सवार सेना पौरस के हाथी सेना पर भारी पड़ गया दूसरी ओर पौरस अपनी सेना में बड़ा बड़ा तीर धनुष का प्रयोग किया था जिसे धरती पर रखकर ही चलाया जा सकता था लेकिन धरती थी दलदल -दल, जब धनुष को खींचे तो धनुष क्या हो स्लिप कर जाए और पौरस की हार हो गई सिकंदर अपना एक राजदूत युद्ध भूमि पौरस के पास भेजा कहा कि कहो पौरस को समर्पण के लिए पौरस कहा कि हम भारत का बेटा है मेरे रगों में खून का एक एक कतरा जब तक दौड़ रहा है कह देना सिकंदर को आप समर्पण हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे आप समर्पण मेरे जवान आगे बढ़ो दो कदम पर मंजिल है इस तरह से युद्ध भूमि सीख रही थी पौरस के अधिकांश सेना मारे गए युद्ध भूमि में पौरस के बचपन का दोस्त आया जिसका नाम था मेरूस मैं कहा, पौरस को मेरे दोस्त आज समर्पण कर दो पौरस कहा मेरे दोस्त दोस्ती की कसम आज तक, तक तुम्हारी कोई बात नहीं काटे हैं आज समर्पण समर्पण की बात करने से पहले ये तलवार हमें खामोश कर दो लेकिन देखिए समर्पण की बात मत करो कहा मेरे दोस्त तुम अगर समर्पण कर देते हो तो क्या हो जाता है अरे भारत की धरती पर जब भी इतिहास लिखी जाएगी इतिहास के किसी भी कोने में पौरस को एक कमजोर राजा के रूप में नहीं दिखाया जा सकता रहा सिकंदर की बात तो भारत की धरती पर सिकंदर सिकंदर की इतिहास तब तक अधूरी रही जब तक पौरस की चर्चा न की जाए मृदोश समर्पण कर दो वरना दोस्ती की कसम दे देंगे दोस्ती की कसम सुनकर पौरस सर नीचे कर लिया और समर्पण किए चला हाथ सिकंदर पौरस की हाथ में थी तलवार सर पे थी पसीना आंखों में थी निराशा और दिल में थी मंजिल पाने की अभिलाषा लिए हुए पौरस एक एक कदम एक एक कदम एक एक कदम बढ़ाते हुए वह आया और सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर पौरस के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कहा कि बोलो भारत का राजा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें बोलो भारत का राजा तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें पौरस सिकंदर के आंखों में आंख डालते हुए कहा कि तुम मेरे साथ वैसा व्यवहार करो जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है

मैंने संसार के कई राजाओं के साथ युद्ध ले किया लेकिन तुम्हारे जैसा योद्धा नहीं देखा मेरे दोस्त तुम्हारी वीरता से प्रभावित होकर तुम्हारे राज्य को सम्मान के साथ वापस करते हैं इनकार मत करना वरना मेरा दिल टूट जाएगा इस प्रकार सिकंदर पोरस के राज्य को वापस कर दिया क्वेश्चन नंबर की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं सात पर सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम था इसका सही आंसर है सिकंदर के घोड़ा का नाम था बहु सिकंदर अपने घोड़ा को बहुत मानता था सिकंदर अपने घोड़ा को बहुत मानता था इस प्रकार सिकंदर के घोड़ा का नाम बहु था सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था जब सिकंदर बड़ा जब सिकंदर सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था तो सिकंदर के घोड़ा का नाम बहु था और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था सिकंदर जब बच्चा था तो उसके गुरु ने उसे सिकंदर को बुलाता था था कहता सिकंदर 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 देखो आसमान सिकंदर देखो आसमान कर लो दुनिया मुठी में यह कह कहकर उसके गुरु अस्तु ने सिकंदर के सीने में विश्व विजेता बनने का अलग जगा दिया था सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियारकस था तो सिकंदर के थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आठ सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था जस्ट इसका हम अभी चर्चा किए सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियारकस था। लेकिन सिकंदर के साथ भारत आने वाले सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल किया जा सकता है नियार्कस एनोसेक्रिटस एवं अरिस्टो बात है सिकंदर की मृत्यु कहा हुई थी इसकी इसका सही आंसर है बात यह है कि सिकंदर की सेना सिकंदर की सेना व्यास नदी के तट पर से जब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो सिकंदर 325 सौ पच्चीस भारत से वापस जाने लगा जब वापस जाने लगा तो सिकंदर को भूख लग गई और वह दौड़कर एक घर पर आया और घर के दरवाजे को तीन बार नौकिया खाट खट खट उससे एक वृद्ध महिला निकली सिकंदर का मां जल्द हमें कुछ खाने के लिए दे दो भूख लग गई वह बीर्ड महिला घर से गई और थाली लाई अपने शरीर का सारा जेवरात खोलकर थाली में रख दी बोली बेटा तू हमें माँ कहा है लो खाओ तुम सिकंदर का हम इंसान है रोटी या चावल ही खाएंगे ना सोना कैसे खाएंगे बीर्ड महिला बोली नहीं बेटा तुम्हें चावल या रोटी चाहिए थी तो रोटी और चावल के इतना खून बहाने की आवश्यकता नहीं थी तुम बहुत खून बना बहाया है तुम सोना का सिकंदर का एक बात पूछे हम तो आपको कुछ भी नहीं कहे आप हमें देखकर क्यों रोने लगे जानती हैं हम बचपन में अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाए जब हम आपको देखे तो पहली बार मेरे मुंह से निकल गया माँ जब मैं किसी को मां कहते हुए सुनता हूं ना काश हमारी माँ होती तो मैं मां को कसकर पकड़ लेता कहता माँ 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 भर दिन भर रात चिल्लाते रहता आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानता मैं कभी मुस्कुराया है नहीं जिंदगी में आप हमें देख सकती हैं पता नहीं आपको जैसे देखा हमें मुंह से निकल गया माँ माँ आप हमें देख कर रोने क्यों लग गए वो बीर महिला बोली पहले तुम्हें ये पूछना चाहिए कि प्रश्न हम तुम्हें खाने के लिए क्यों दिए कहा क्यों क्योंकि जैसे तुम बोला ना कि माँ भूख लग गई है कुछ खाने के लिए दो हमें अपनी बेटे की याद आ गई मेरा बेटा इसी तरह से हमें कहता था माँ भूख लग गई हमें कुछ खाने के लिए दो सिकंदर कहा के तो फिर आपका बेटा कहाँ है कहा सिकंदर मेरा बेटा बहुत दूरी पर चला गया वो जगह का नाम बताइए हम ले आते हैं आपके बेटा को कहा नहीं सिकंदर हमारे बेटे को किसी ने अभी अभी मार दिया सिकंदर कहा का, आपके बेटे किसने मारा मालूम है आपके सामने कौन खड़ा है सिकंदर है वो कौन है जो आपके बेटे को मारा है नाम बताए उसे खामोश कर देंगे वो वृद्ध महिला बोली कि हम नाम बताएंगे खामोश कर दोगे तो हाँ सिकंदर वो तुम हो कहा हम कहा सिकंदर तुम मैं खाना खा रही थी मेरा बेटा दो महीना से निमार था और मैं ही बोली बेटा एक ग्लास पानी ला दो ना मेरा बेटा पानी लाने के लिए जैसे गेट खोला उस पर तलवार वो चिल्लाया मैं दौड़ कर आई तो मेरा बेटा का कटा हुआ शरीर तरफ रहा था सिकंदर ऐ सिकंदर तुम कहते थे कि तुम कहते हो कि हम मां कहने के लिए तरफ रहे हैं अब हम बेटा कहने के लिए किसको बेटा कहेंगे सिकंदर इस तलवार से जो खून टपक रहा है टपकते हुए खून से पूछो किस मां के बेटे का है सिकंदर ये आहिस्ता टपकने दो मेरे बेटे का है खून कैसे चोट ना लग जाए सिकंदर तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में एक लप्पड़ मारकर इतना भी बन नहीं बताई कि बेटा विश्व विजेता बन भी जाएगा तो क्या होगा खाएगा रोटी या चावल ही ना तुम्हारी मां एक लप्पड़ कर इतना भी नहीं बताई बेटा विश्व विजेता बन जाएगा तो क्या हो जाएगा अरे जब तुम मरेगा तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी तुम्हें सारे तीन फिर जमीनी नसीब होगी जहां तुम्हें दफनाया जाएगा सिकंदर कहा कि इस तलवार से जो खून टपक रहा है वो आपके बेटे का कहा मेरा, मेरे बेटे का सिकंदर सर पीटे हुए कहा बचपन हमारी माँ एक लग लगा कर कही होती बेटा विश्व विजेता बनना काश बचपन हमारी माँ एक लगा लगाकर कही होती बेटा विश्व विजेता बनना तलवार के बल पर नहीं लेटा बिस विजय ताबन्ना मोहब्बत के बल पर मोहब्बत के बल पर मोहब्बत के बल पर मोहब्बत के बल पर शायद इस तलवार से किसी माँ का बेटा नहीं मारा जाता रोते हुए सिकंदर गिरता पड़ता उसी समय उसके पाँव में जूते का उसके जूता सोना का था खोल कर फेंक दिया सारे जेवरात को नोच कर फेंक दिया राशाही पोशाक को फाड़ दिया और पैदल गिरते पड़ते जब भारत से वापस जा रहा था पीछे पीछे उसका सेनापति जा रहा था बेबीलोन पहुंचा और बेबीलोन इराक में है वहां भी मार पड़ गया अपने सेनापति को काट सुनो जब हमारी मौत हो जाए तो रंथी पर से दोनों हाथ को बाहर निकाल देना ताकि दुनिया वाले समझ सके इंसान आता है खाली हाथ और जाता है खाली हाथ हर इंसान को मालूम है तो फिर किसी माँ के बेटे को क्यों मारता है जिस रास्ते से हमारी लाश को ले जाना उस रास्ते को हीरे मोती सोना चांदी से भर देना ताकि दुनिया वाले को लगे जिस धन दौलत के लिए हम खून बहाते हैं वही जब मेरे साथ नहीं जाता तो खून क्यों बहाते हैं हम ऐसा इसलिए कहते हैं अब इस संसार की धरती पर दूसरा सिकंदर जन्म ना ले अब किसी माँ का बेटा ना मारा जाए, जय हिंद, है क्वेश्चन नंबर दस की बात करते हैं लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी तो लोकसभा की पहली बैठक हुई थी तेरह मई उन्नीस सौ बावन ईस्वी को याद रखना है और याद रखना है लोकसभा की पहली बैठक 13 मई उन्नीस सौ बावन ईस्वी को हुई थी और राज्यसभा की भी पहली बैठक 13 मई उन्नीस सौ बावन ईस्वी को हुई थी याद रखना है लोकसभा का गठन 17 अप्रैल लोकसभा का गठन 17 अप्रैल उन्नीस सौ बावन ईस्वी को हुई थी तो वहीं पर लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा का गठन सत्रह अप्रैल उन्नीस सौ बावन ईस्वी को हुई थी तो वही लोकसभा की पहली बैठक तेरह मई उन्नीस सौ बावन ईस्वी को हुई थी लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है लोकसभा को जनता का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं इसलिए लोकसभा को जनता का सदन कहा गया लोकसभा को हम अस्थाई सदन के नाम जानते हैं तो लोकसभा को अस्थाई सदन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि प्रत्येक पांच साल के अंतराल पर लोकसभा को भंग कर दिया जाता है इसलिए लोकसभा को हम अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर ग्यारह लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या पांच हो सकती है जिसमें से कितने का चुनाव केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा हो सकती है इसका सही आंसर है 20। याद रखना है लोकसभा में कितना अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है पांच याद रखना है पांच में से पांच का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभा के द्वारा विभिन्न राज्यों के द्वारा विभिन्न राज्यों पांच का चुनाव विभिन्न राज्यों के द्वारा तो वही बीस का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा तो वही दो राष्ट्र वही दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तो अगर आप यहाँ जोड़े तो पांच सौ तीस बीस और दो तो टोटल हो जाता है पांच सौ बावन वर्तमान समय में लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है पांच सौ सौ है तो पांच सौ में से पांच सौ में से पांच सौ तीस का चुनाव विभिन्न राज्यों के द्वारा तो वहीं पर तेरह का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा तो वहीं दो राष्ट्रपति के द्वारा दो एंग्लो इंडिया मनोनित किए जाते हैं। इस प्रकार टोटल ये जोड़ेंगे तो 540 हो जाएगा। क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लोकसभा का गठन कब हुआ था? जस्ट अभी हम चर्चा किए हैं। लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952। याद रखना है। संघ की विधायिका को हम संसद के नाम जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद उनासी के तहत संसद के निम्नलिखित अंग होते हैं राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा इस प्रकार राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है संसद के दो सदन होते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद अस्सी से राज्यसभा के विषय में जानकारी मिलती है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद इक्सी से लोकसभा के विषय में जानकारी मिलती है क्वेश्चन नंबर 13 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था इसका सही आंसर है 1989 बात यह है लोकसभा या राज्य विधानसभा में जो भी चुनाव होते हैं उस चुनाव में वही मतदाता भाग ले सकते हैं जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो पहले यह आयु 21 वर्ष थी लेकिन 61वां संविधान संशोधन के द्वारा उम्र सीमा को इक्कीस वर्ष से घटाकर अठारह वर्ष कर दिया गया इस प्रकार इकसठवा संविधान संशोधन उन्नीस सौ नवासी हुआ था क्वेश्चन नंबर चौदह कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है इसका निर्धारण करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है याद रखना है भारतीय संविधान अनुच्छेद तिरानवे से लोकसभा के अध्यक्ष के विषय में जानकारी मिलती है लोकसभा का अध्यक्ष अपना शपथ लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं लोकसभा के समान सदस्य के रूप में लेता है याद रखना है लोकसभा का अध्यक्ष सत्ता पक्ष का ही कोई व्यक्ति होता है लोकसभा के अध्यक्ष का काम है लोकसभा में अनुशासन बनाए रखना सदस्यों को बोलने की अनुमति देना इसके लिए समय सीमा निर्धारण करना लोकसभा में किसी प्रश्न को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच मतदान हो जाए और मत बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाए तो ऐसे स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट दे सकता है लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है क्वेश्चन नंबर पंद्रह वर्तमान समय में लोकसभा में सीटों का निर्धारण किस जनगणना के आधार पर किया गया है इसका सही आंसर है उन्नीस यानी सही आंसर हो गया बी वर्तमान समय में लोकसभा हो या राज्य विधानसभा हो उसमें जो सीटों का निर्धारण किया गया है उस सीट का जो निर्धारण किया गया है उन्नीस के जनगणना के आधार पर इस प्रकार चौरासीवा संविधान संशोधन 2001 में हुआ था चौरासीवा संविधान संशोधन के द्वारा इस बात पर बल दिया गया 2026 तक लोकसभा हो या राज्य विधानसभा हो उसकी सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी क्वेश्चन नंबर की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सोलह सौर मंडल अपना प्रकाश किससे प्राप्त करता है तो इसका सही आंसर होगा ए याद रखना है <coughs> सूर्य एवं उसके ओर परिक्रमा करने वाले याद रखना है एकदम सिंपल भाषा में याद रखना है सौर मंडल को जो हम बोल रहे हैं तो पानी पी लें तो थोड़ा सा प्यास लगे। अब देखो सूर्य एवं उसके ओर सूर्य जैसे सूर्य एवं उसके ओर मान लिया हम बनाते हैं एक फियर है सूर्य एवं उसके ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह उपग्रह शूद्र ग्रह धूमकेतु एवं उल्का इत्यादि को सामूहिक तौर पर हम सौर मंडल के नाम जानते हैं सूर्य एवं उसके ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह उपग्रह शुद्ध ग्रह एवं को सामूहिक तौर पर हम सौर मंडल के नाम जानते हैं सौर मंडल का प्रकाश नहीं होता है वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है क्योंकि सौर मंडल का अपना प्रकाश नहीं होता वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है इसलिए सूर्य को सौर मंडल का पिता कहा गया इसलिए सूर्य को सौर मंडल का जनक कहा गया क्वेश्चन नंबर की जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं इसका सही आंसर होगा ग्रह यानी ए सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं ग्रह कहते हैं याद रखना है ग्रह का ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य को अपना प्रकाश नाभ संलयन के द्वारा प्राप्त होता है नाभ संलयन उसे कहते हैं जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है क्वेश्चन नंबर 18 सौर मंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करते हैं ऐसे ग्रहों में शामिल किया जा सकता है इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों यानी शुक्र और अरुण यहां पर याद रखें सौर मंडल के अधिकांश यानी अधिकांश ग्रह सूर्य की परिक्रमा देखिए अधिकांश ग्रह अधिकांश ग्रह सूर्य की परिक्रमा अधिकांश ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं अधिकांश ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं तो जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं वैसे ग्रह पर पूर्व की ओर सूर्योदय होता है तो पश्चिम की ओर सूर्यास्त होता है लेकिन दो ऐसे ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है वह दो ग्रह में शामिल किया जा सकता है शुक्र एवं अरुण को क्योंकि शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम दिशा में करता है इसलिए दोनों ग्रह पर पश्चिम की ओर सूर्योदय और, और पूरब की ओर सूर्यास्त होते हैं अब देखे सौर मंडल में कितने तरह के ग्रह होते हैं सौर मंडल में दो तरह के ग्रह होते हैं आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रह उस ग्रह को कहते हैं जो सूर्य के नजदीक होते हैं और जो भारी पदार्थों से निर्मित होते हैं इनका घनत्व अधिक होता है तो बाह्य ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य से काफी दूरी पर होते हैं हल्के पदार्थों से निर्मित होते हैं इनका घनत्व कम होता है अब देखें क्वेश्चन बीस आंतरिक ग्रह में शामिल किया, तो किया, किया, भी, तो किया जा सकता है किसको शामिल किया जा सकता है आंतरिक ग्रह में शामिल किया जा सकता है बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल को तो वही बाह्य ग्रह में शामिल किया जा सकता है किसको इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों ए और बी दोनों जब आंसर है तो कौन कौन हो जाएगा बृहस्पति शनि अरुण एवं वरुण क्वेश्चन नंबर इक्कीस भारत संस्थापक देशों में से एक है तो कौन है इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों यानी आईएमएफ और विश्व बैंक आईएमएफ को कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इस दोनों को समझिए जुलाई उन्नीस सौ में अमेरिका की धरती पर जो सम्मेलन हुई थी इसे हम ब्रिटेन सम्मेलन के नाम जानते हैं और ब्रेटन बुट सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक दोनों की स्थापना हुई थी इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों की स्थापना उन्नीस सौ में हुई थी दोनों का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान समय में कुल सदस्य देशों की संख्या एक है एक सदस्य देशों में शामिल किया जा सकता है को। अब देखें क्वेश्चन नंबर 22 में यदि कोई सदस्य देश आईएमएफ की सदस्यता त्याग करने के बाद भी विश्व बैंक का सदस्य बना रहना चाहता है तो इसके लिए कितने प्रतिशत सदस्यों की सहमति आवश्यक है इसके लिए इसका सही आंसर होगा एक पचहत्तर प्रतिशत इसको जरा सा देखें। अंतर्राष्ट्रीय कोष एवं विश्व बैंक दोनों एक दूसरे का पूरक है अंतर्राष्ट्रीय कोष एवं विश्व बैंक दोनों एक दूसरे का पूरक है इसका अर्थ क्या होता है अगर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय कोष की संस्था ग्रहण करता है उसको अपने आप विश्व बैंक की भी सदस्यता मिल जाती है अगर कोई देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता का त्याग करता है तो उसकी सदस्यता अपने आप विश्व बैंक से समाप्त हो जाती है लेकिन कोई देश मुद्रा कोष की सदस्यता त्याग करने के बाद विश्व बैंक का सदस्य बना रहना चाहता है तो इसके लिए आवश्यक है पचहत्तर प्रतिशत सदस्यों की सहमति आवश्यक है बात समझ में आ गए आप देखें क्वेश्चन नंबर तेईस किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया है इसका सही आंसर है सी उत्तर प्रदेश सरकार।, सरकार, ने, सरकार ने कन्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ किया इस योजना के प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है और कन्या सुमंगला योजना के तहत इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि वैसे परिवार जिनकी आमदनी प्रति वर्ष तीन लाख रुपये से कम है वैसे परिवार में अगर बेटी जन्म लेती है उस बेटी के पठन पाठन संबंधी जो खर्च होंगे उसका भी सरकार करेगी यानी सरकार मदद करेगी क्वेश्चन नंबर की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर चौबीस किस राज्य की सरकार के हाल ही में छोटे किसानों हेतु विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता हस्ताक्षर किए हैं किसानों होगा यहाँ इसका सही कर लीजिएगा यहाँ मिस्टेक है किसानों कर दीजिएगा किस राज्य की सरकार के हाल ही में छोटे किसान हेतु विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं इसका सर, सही आंसर है ओडिशा तो ओडिशा सरकार का विश्व बैंक के साथ समझौता हुआ इस समझौता के तहत विश्व बैंक ने ओडिसा सरकार को 16.5 करोड़ डॉलर 16.5 करोड़ डॉलर ऋण दिया यह ऋण क्यों दिया इसलिए दिया ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके उसकी उत्पादकता में विविधता आ सके उसका मार्केटिंग किया जा सके एक तरह से किसानों का मदद करना उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पच्चीस भारत अपनी पहली मानव मुक्त अंतरिक्ष उड़ान हेतु गगन परियोजना के लिए किस देश से सहायता प्राप्त कर रहा है इसका सही आंसर होगा रूस याद रखना है भारत अपनी पहली मानव मुक्त हेतु गगनयान परियोजना के लिए किस देश से सहायता प्राप्त कर रहा है तो रूस यह गगनयान परियोजना 2022 के प्रारंभ में लॉन्च किया जाएगा इस परियोजना हेतु भारत के 12 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया जाएगा जिसमें से चार का चयन रूस के द्वारा किया जाएगा मेरे जवान हम बात को समझते हैं आपकी और आप बढ़िया से पढ़ें देखें इसे बता रहे हैं और आप दूरी पर हैं आप दूरी पर हैं और हम भी हैं यहाँ काफ़ी दूरी पर हैं हम आपकी मैसेज को तो पढ़ नहीं पाए रूम पर जाएंगे तो ज़रूर हम मैसेज को पढ़ेंगे और वक्त मिला तो हम आपका रिप्लाई देंगे हो सकता है रिप्लाई देने में देर हो जाए इसके लिए थोड़ा दुख नहीं मानेंगे और खूब पढ़िए जहाँ दिक्कत हो आप हमसे पूछने का प्रयास करें प्रोफेशनली हम नहीं पढ़ा रहे हैं और ना हमसे आप प्रोफेशनली जुड़ें आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको ये एहसास होना चाहिए हम सर से बाद में पढ़ रहे हैं जो इंसान पढ़ा रहा है यह मेरा पहले बड़ा भाई है जो इंसान ये हमें पढ़ा रहा है या पहले मेरा बड़ा भाई है इसके बाद यह एक टीचर है यानी जिस इंसान के साथ मेरा दो दो रिश्ता हो वह इंसान मेरे लिए पढ़ाया कैसे हो सकता है और जिस दिन नौकरी हो जाए जिस दिन नौकरी हो जाए और आप दुनिया वालों को तो कहेंगे ही और हमें भी बताइएगा अगर आप हमें फ़ोन नहीं कर पाइएगा तो एक छोटा सा मिस कॉल ही सही हम समझ जाएंगे। आज मेरा जवान बाजी मार लिया है क्योंकि आपकी सफलता में मेरा और मेरे पढ़ाई के द्वारा जो जुनून उत्पन्न किया जाएगा उसका भी थोड़ा श्री मिलना चाहिए और खूब पढ़िए जिस दिन आप कंपीट करें उस दिन हम रहें या ना रहें मेरा दादा है आपसे उस दिन मनाइएगा दिन में होली और रात में दीपावली एक बार आप कम्पीट कर जाते हैं तो आपकी माँ की आयु बीस साल बढ़ जाएगी समझ गए बीस साल बढ़ जाएगी बातचीत के क्रम को देते हैं विराम जाने की इच्छा नहीं होती क्या कहें वक्त इजाज़त नहीं देते फिर वही बात मुझे इसका गम नहीं कभी बदल जाएगा ये जमाना मुझे इसका गम नहीं कभी बदल जाएगा ये जमाना मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम ना बदल जाना कहीं तुम ना बदल जाना जय हिंद जय हिंद